हर्ब्स की बात करते हैं, हर्ब्स इज वेरी डियर सब्जेक्ट टू मी। व्हाई? थोड़ा सा हम पार्टिसिपेट भी करते हैं, राइट? तो मैं आप सब में से कुछ नाम लेती, मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आप हर्ब्स का नाम सुनते हैं तो हाउ डू यू कनेक्ट विद हर्ब्स? तो आपका व्यू पॉइंट क्या है राहुल जी? तो प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ राहुल जी, तो यस काइंडली, मैम, हाँ प्लीज शेयर योर व्यूज। नमस्कार या जैसे आपने हर्ब्स सुना, मैम। तो हर्ब्स आप कैसे कनेक्ट करते हैं? मैम हर्ब्स को बेसिकली हम ऐसे कनेक्ट करते हैं कि जो हमारे आसपास प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं और डिफरेंट टाइप की जड़ी बूटियां हैं जिनको हम अपनी लाइफ में मतलब डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। वंडरफुल तो इस वंडरफुल सर, तरीके आप आयुर्वेदा की तरफ इशारा कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली हर्ब्स का सबसे पहले से रेफरेंस आयुर्वेदा से ही आता है, क्योंकि आयुर्वेदा ने ही हमें ये नॉलेज दी कि हमारे आसपास जो वनस्पतियां हैं, जो हर्ब्स हैं, वो हमारी दिनचर्या में कितनी इम्पोर्टेंट है। तभी हर हर्ब्स हमारी किचन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, राइट? चाहे हम उसको फूड में यूटिलाइज करें, चाहे एज अ मेडिसिन यूटिलाइज करें, चाहे फॉर रिफ्रेशमेंट पर्पज यूटिलाइज करें, हर्ब्स के बिना रह नहीं सकते। दे आर द गिवर ऑफ ऑक्सीजन, है ना? ये हमारा प्राइमरी एजुकेशन से हमें हर्ब्स के बारे में पहले ही शुरू हो जाता है। हर्ब्स प्लांट इकोसिस्टम को बैलेंस करना, इसके अनगिनत काम, लेकिन इन ऑकल्ट साइंसेस, अब हम थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं कि ऑकल्ट साइंसेस एंड हर्ब्स, व्हाट इज द कोरिलेशन ऑफ इट? बहुत बड़ा कोरिलेशन। हमारे वेदों में बहुत ज्यादा ये लिखा है, और पुराने जमाने में जब ये ऋषि मुनि जो हर्ब्स यूज करते थे, डेफिनेटली वो आयुर्वेदा के तरीके से यूज करते थे, साथ ही साथ इसको स्पिरिचुअलिटी के वे में यूज करते थे हमारी डेली लाइफ में। अगर मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सा एग्जाम्पल दूं, जो हवन होता है, राइट? हवन तो कितनी पुरानी प्रैक्टिस है। हवन में हम जो सामग्री हवन में चढ़ाते हैं, दैट इज अ हर्ब। एंड क्या आपको मालूम है कि जो हम पर्टिकुलर वही सामग्री को कंटिन्यू करते जा रहे हैं, व्हाट इज द रेफरेंस? या जैसे अगर आम की लकड़ी यूज करें, हम उसमें आम की लकड़ी ही क्यों यूज कर रहे हैं? आप अपने घर में बंधन बार लगाते हैं, जो भी कोई भी ऑस्पिशियस ओकेजन होता है, कब से ये प्रथा चलती आ रही है, हम बंधन बार लगा रहे हैं, राइट? सनातन धर्म में और भी बहुत सारे धर्मों में कहीं बंधन बार आपकी गेंदे के फूल की होती है, पश्चिमी देशों में वो बंधन बार आपको और किसी चीज की मिलेगी, फ्लोरल डेकोरेशन मिलती है। लेकिन हम उस हर्ब को यूज कर रहे हैं, उसके पीछे एक स्पिरिचुअल ऑकल्ट कारण है। टू नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एनी हर्ब, व्हाई वी आर यूजिंग इट, हम अपनी डेली लाइफ में सिर्फ ब्लाइंडली यूज करे जा रहे हैं। लेकिन जब अगर हमें किसी चीज का यूज पता होता है, तो हम उसको और भी अच्छे से यूज करते हैं। देन द लिंक बिटवीन एनर्जी एंड द प्रोडक्ट फ्लोस, तो उसका एक्चुअल जो हमें आ रहा यूज होता है, वो हमें पता ही चलता है। नाउ आई एम शेयरिंग वन पीपीटी। आई होप दिस पीपीटी इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। हर्ब्स यस एंड यस इट इज होलिस्टिक विजिबल। साइंस, या थैंक यू यस सर। हर्ब्स एंड होलिस्टिक साइंस, हर्ब्स के पीछे जो एक साइंस है, हम उसको समझेंगे और अपनी डेली लाइफ में उसको यूज करेंगे। मैं आज आपके साथ थोड़े बहुत बहुत ज्यादा मैजिकल यूज बताऊंगी, और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये छोटे छोटे एक सिंपल से प्रोसीजर्स होते हैं, इससे हमारी लाइफ कितनी ईजी बन जाए। ठीक है, जब कभी भी जो हमारे किचन में मसाले हैं, उनका भी तो कभी ना कभी एक यूज समझ में आया होगा ना, तभी तो हमने उनको किचन में यूज करना शुरू किया होगा, राइट? उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी हमें समझ में आई होगी, तभी हमने ये सब चीजें यूज